Hey guys, welcome to my channel WV Freeman Solution. This is Sanjana Giri. We have already done up to question number 6 of chapter 13, exercise 13.2. Okay, so today we will start from question number 2. और मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज गाइज, यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को घर बैठे ये मौका है कि आप लोग ट्यूशन लो, दैट इज विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. मैंने अभी ये चैनल स्टार्ट किया है इसीलिए ताकि हर बच्चे के पास पहुंचे जो अभी ट्यूशंस नहीं भी ले पा रहे हैं कोविड-19 के कारण, और जो ट्यूशंस के लिए जिनके पास पैसे नहीं हो पाता है. सो गाइज, सबके पास मोबाइल रहता है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है. ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोज. सो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि दो वर्ग के रूप में प्रकाशित करना है. इसका मतलब है कि इसे भी हमें फैक्टर ही निकालना है, यानी जैसे हमारा क्वेश्चन आंसर आ रहा है ना कि दो टाइप का ऐसे करके आ रहा है, उस टाइप का ही हमें आंसर लाना है. यानी कहने का मतलब है कि यहाँ भी हमें फैक्टर ही निकालना है. लेकिन यदि क्वेश्चन इस टाइप का दे दे तो आप लोग घबराना नहीं कि ये तो इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि उत्पादक विश्लेषण करे या फैक्टराइजेशन निकालना है. ऐसे में भी इसका क्वेश्चन का जब ये लिखता है कि दो वर्ग के रूप में प्रकाशित करे तो उसका भी मतलब यही होता है कि इसका हमें फैक्टर निकालना है. ठीक है, तो सेम उसी तरह से हमें निकालना होगा. यदि मैं चलो क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रही हूं आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 4 में देखो लिखा हुआ है 3a² - 2a - 5. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 3 15, 15 का हमें निकालना है एलसीएम. ठीक है, तो 3 5 15 क्या लाना है, यहाँ 2. अच्छी तरह से देखो, यहाँ 5 - 3 दैट इज 2. तो हम यहाँ पे 3a² - 5 - 3 इंटू ए माइनस 5 करेंगे. ठीक है, फिर 3a² - 5a - - + 3a - 5. ओके, फिर यहाँ से a कॉमन है तो 3a - 5 होगा, 3a - 5. और यहाँ से +1 कॉमन निकालेंगे तो 3a - 5 होगा. ठीक है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं रहता वहाँ 1 कॉमन जरूर रहता है, इतना ध्यान देना. ठीक है, तो यहाँ 3a - 5 और यहाँ a+1. ओके, दैट इज द आंसर. कुछ घबराने वाली बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि बस ऐसा नहीं है कि दो वर्ग के रूप में यानी 2² के इसमें ये इसको करना है, तो आप लोग घबराना नहीं. ठीक है, तो इसे एक्सप्रेस हम कर सकते हैं आराम से दो वर्ग के रूप में, यानी डिफरेंस ऑफ 2² बहुत ही इजी है, इस तरह से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं. तो होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप लोग तीनों इसमें से बना लोगे. तो चलो हम लोग 3 पे चलते हैं, उत्पादक विश्लेषण करें, यानी फिर से वही फैक्टराइजेशन ही है. ठीक है, तो इसमें से मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, इसमें सारा ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से कर लेना. ठीक है, तो चलो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखो, यहाँ दो सम्स जो है ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ax² + a² - 1 - a होगा, इस तरह से होगा. और क्वेश्चन नंबर 6 जो है a² + 1 - 6 / a², इस तरह से होगा. ठीक है, आप लोग इसे सुधार लेना यदि कोई आपके यहाँ, मेरे में तो मिस प्रिंट है. अब पता नहीं आप लोगों के बुक में होगा कि नहीं, यदि होगा तो प्लीज आप लोग इसे देख के अच्छे से सुधार लेना. ठीक है, तो चलो कोई एक सम्स इसमें से बताते हैं. मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ. ठीक है, a² + 2x. क्वेश्चन नंबर 2, 3 का a² + 2ax + a+b (a - b). यहां देखो x² हमें करना है. अब इस 2a की जगह पे हम क्या लिखेंगे,
देखो यहाँ पे फैक्टर ऑलरेडी, यहाँ पे जो हम लोग पहले करते थे ना, यहाँ यदि कोई भी नंबर आता था तो हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना होता था, यहाँ ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ दिया है ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। यदि हम करें तो देखो हमारा ये 2a आ जाएगा। देखो यदि हम प्लस ये करते हैं, इसको ब्रैकेट को यदि तोड़ते हैं तो माइनस प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और ए प्लस ए 2a हो जाएगा। ठीक है, प्लस और एक्स यहाँ इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह से मैंने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, फिर भी एक बार बता दे रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है तो एक्स निकालेंगे, एक्स प्लस ए प्लस बी, और इधर से हमारा क्या कॉमन आ रहा है तो आप लोग देखो ए माइनस बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एक्स प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे, उसी तरह से ए एक्स प्लस ए प्लस बी, एंड यहां क्या होगा एक्स प्लस ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, है ना इजी। देख के क्वेश्चन घबराना नहीं, मिडिल टर्म फैक्टर बहुत इजी होता है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 सभी इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखो यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स प्लस ए। ठीक है, सेकेंड नंबर होगा हमारा। उसके बाद हमें क्या करेंगे कि इसमें से फिर हमारा, जैसे कि यहाँ सेकंड से हमारा क्या हो रहा है कि कुछ कॉमन जाता है, उसको कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल के और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट इस टाइप का आएगा, इससे भी इजी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन गया, 3 भी इसी तरह से है। चलो 3 हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, इसे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, इंटर कर रहे हैं अंदर, ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स प्लस ए। ओके, इसमें से देखो क्या कॉमन है, ए एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स बचेगा और यहां से ए बचेगा सिर्फ। ठीक है, इस तरह से यहां देखो एक्स माइनस ए होगा तो यहां क्या होगा 1, जहां कुछ कॉमन नहीं वहां 1 कॉमन है। तो यहां हमारा ए एक्स माइनस 1 और एक हो गया एक्स माइनस ए, हो गया आंसर। बहुत इजी है ना। अब हम लोग चलते हैं 4, और मैं 6 बता दूंगी, आप लोग 5 आराम से बना लोगे। ठीक है, 4 भी उसी तरह से है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए है। मैंने यहाँ एक्स लिखना मैं भूल गई थी, सॉरी इसके लिए, आप लोग यहाँ एक्स लिख लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है, इसे हमें क्या करना है, बस उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस दैट इज एक्स 1 इंटू एक्स एक्स प्लस ए। उसके बाद इसमें से कॉमन, फिर वो वही पे कॉमन ये वहां यहाँ आएगा, सेम एकदम इसी की तरह है क्वेश्चन, है ना इजी। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, 5 भी इसी तरह से बन जाएगा, अब 6 पे चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लो अच्छी तरह से, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, इसे हमें देखो कैसे मिडिल टर्म फैक्टर में हम इसे ला रहे हैं। पहले तो ए स्क्वायर लिखते हैं और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो हम यहाँ 1 की जगह पे हम लिखते हैं 3 माइनस 2, यहाँ पे कुछ ए नहीं है इतना ध्यान देना, माइनस 6 बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 माइनस 6 बाई ए स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी यहाँ कॉमन है कुछ, आप लोग देखोगे तो यहाँ से हम लोग एक कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ ए से एक कॉमन निकाले तो एक बचा, ठीक है, और प्लस 3 बाई ए लिख देंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे आ गया। ओके,
और यहाँ भी आप लोग लिख लो a प्लस थ्री बाई ए। अब यहाँ हम क्या कॉमन निकालेंगे, सबसे पहले तो आप लोग देखो 2 कॉमन है हमारा, ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल ले रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखो कि 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ तो 2a नहीं है, तो हमारा ये a कैसे होगा, कैसे यहाँ पे लाएंगे, तो अब हम यहाँ 2/a लिख देंगे, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 3 × 2 = 6 हो गया, यानी -6, और बाई a इंटू a स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 6/a स्क्वायर भी आ गया, तो हम यहाँ क्या कॉमन निकाले हैं, 2/a निकाले कॉमन, ओके। तो अब यहाँ हम लिखेंगे a प्लस 3a, 3/a, और एक क्या होगा हमारा a माइनस 2/a, दैट इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग कर लेना, इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, आप लोग इसे बनाना, और उतना ही इजी भी है, इम्पोर्टेंट जितना रहता है ना उतना इजी भी रहता है, देखने में लगता है कि हार्ड है, बच्चे देख के डर जाते हैं और बनाते नहीं इसे, ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो गाइज ये हमारा चैप्टर ये हो गया, खत्म हो गया 13.2। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि गाइज प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस के नए नए अपडेट्स मिलते रहे, मैं बहुत ही इजी तरीका से बना रही हूँ, ओके। तो चलो आप लोग ठीक से रहना, सेफ रहो, घर में रहो, सेफ रहो, और अपना ख्याल रखना, ओके, बाय बाय, थैंक यू।